नाजीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले देखते हैं हेडलाइंस। बद्रीनाथ हाईवे पर पेश आया सड़क हादसा, तकरीबन 200 मीटर गहरी खाई में गिरी गाड़ियां, 10 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक के साबिक सीएम येदुरप्पा पर पॉक्सो के तहत गैर जमानती वारंट जारी, 17 जून को अदालत में पेशी। कर्नाटक हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई, पेट्रोल 3 रुपए और डीजल 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर हुआ महंगा। नीट इम्तिहान में हुई लापरवाही के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी, सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दायर। और मनासी के हज बैतुल्ला की अदायगी का सिलसिला जारी, 20 लाख से ज्यादा हुज्जाज इकराम पहुंचे मैदान अरफात और जबल रहमान। राजधानी दिल्ली में पानी का बहरान जारी है। दिल्ली सरकार के वजीर आब आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है उसमें लगातार कमी है। वजीराबाद पॉन्ड्स में पानी लगभग खत्म हो चुका है। मुनक करनाल में भी पानी की कमी चल रही है। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में 1005 MGD पानी होता है, मगर 14 जून को ये सतह 932 MGD पर पहुंच गई है। हमने दिल्ली के कई हिस्सों में इमरजेंसी ट्यूबवेल करवाकर उन्हें वाटर सप्लाई से लिंक किया है। हमने दिल्ली जल बोर्ड को कहा है कि जहां जहां पर भी टैंकर की ज़रूरत है वहां अगले 24 घंटों में टैंकर की तादाद बढ़ाएं। दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है लगातार उसमें कमी चल रही है। वजीराबाद पौंड पर जहाँ पर 674.5 फीट पर पानी होना चाहिए, 668.5 फीट पर पानी है, यानी लगभग वजीराबाद पौंड में पानी खत्म हो गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ मुनक कनाल में जहाँ पे दो सब कनाल्स के माध्यम से दिल्ली को पानी आता है, जो CLC और DSB है, उसमें भी पानी की कमी चल रही है। जो 10 जून को पानी बढ़कर 925 क्यूसेक पर डे हो गया था, वो फिर से 11 जून को घटकर 919, 12 जून को 903, 13 जून को 906 और 15 जून को 902 क्यूसेक पर अभी है। दोनों सोर्सेज से पानी की कंटिन्यूड कमी की वजह से दिल्ली में, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी पानी का कम प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में एक नॉर्मल परिस्थिति में 1005 MGD का पानी हम दिल्ली में प्रोड्यूस करते हैं। ये आंकड़ा पिछले एक हफ्ते से लगातार गिर रहा है। ये आंकड़ा 6 जून को 1002 MGD पर था, ये 10 जून तक गिरकर 958 MGD तक पहुंच गया, 13 जून को ये 939 MGD पे था और कल यानी 14 जून को ये 932 MGD पर पहुंच गया। यानी इस समय दिल्ली में 70 MGD पानी कम प्रोड्यूस हो रहा है। 1005 MGD के बजाय 932 MGD पानी कल प्रोड्यूस हुआ है। सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में, क्योंकि जो मुनक कनाल का पानी है वो सभी वाटर सात वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में जाता है, सातों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में अब कुछ पानी की प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो रही है। तो 70 MGD पानी कम प्रोड्यूस होने की वजह से जो दिल्ली में कई इलाकों में पानी की कमी थी वो अभी भी बरकरार है। हमने दिल्ली के कई हिस्सों में इमरजेंसी ट्यूबवेल्स करवा के उनको वाटर सप्लाई से लिंक किया है, खास करके बवाना में, द्वारका में, नांगलोई में, वेस्ट दिल्ली में, जहां पे काफ़ी पानी की शॉर्टेज थी। इमरजेंसी के तौर पर बोरवेल्स को वहां के UGR से लिंक किया गया है कि जो हमारे अंडरग्राउंड रिजर्वायर्स हैं उसमें बोरवेल्स का पानी जोड़ा जाए। टैंकर्स के भी ट्रिप्स अब एक दिन में 10,000 ट्रिप्स दिल्ली जल बोर्ड द्वारा टैंकर्स के किए जा रहे हैं। अब तकरीबन 10 MGD पानी दिल्ली जल बोर्ड टैंकर्स के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड कर रही है। अभी हमने एक इमरजेंसी बैठक दिल्ली जल बोर्ड की करी थी, इसमें
हमने दिल्ली जल बोर्ड को बोला है कि जहां जहां पर भी एक्स्ट्रा टैंकर्स की आवश्यकता है, जहां पर पानी के टैंकर नहीं पहुंच रहे हैं, वहां पर अगले 24 घंटे में एक नया असेसमेंट करेंगे और उस असेसमेंट के आधार पर और टैंकर्स की भी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर पानी का प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ता है तब तक वाटर टैंकर्स ही एक माध्यम है जिनसे हम पानी को प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉट जस्ट दिस, पानी के टैंकर्स अब हम जो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं पानी के टैंकर्स के, उनको भी हम बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के पानी के बहरान पर सियासत भी शुरू हो गई है। पानी की किल्लत पर बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मनोज तिवारी ने कहा है कि आप बहाने तलाश ना जानती है, वो आवाम को सहूलियात देना नहीं जानती। उन्होंने दिल्ली को ना तो साफ पानी दिया, कई इलाकों में पानी भरा रहता है। आवाम इसका जवाब बहुत जल्द उन्हें हटा कर देंगे। आम आदमी पार्टी बहाने बनाना जानती है, वो कभी भी जनता को सुविधा देना जानती ही नहीं। कांग्रेस 15 साल रही है इस दिल्ली में सरकार में और लगभग 10 साल पूरे होने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के। इन्होंने दिल्ली को न तो साफ पानी दिया, न तो पानी दिया कई इलाकों में, जल जमाव से मुक्ति नहीं दी। अब तो बुजुर्गों का पेंशन भी बंद है, दिल्ली के गरीबों का राशन कार्ड भी नहीं बन रहा है, 10 साल में एक नया राशन कार्ड नहीं बना है। आम आदमी पार्टी को बहाने बनाने आता है, इनको जनता का काम करना ही नहीं आता है और न तो नियत है सीखने की। अब इनका टाइम हो गया है समाप्त। हमें बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 6 महीना बाद जो चुनाव आ रहा है, अब इनसे वो चाबी ही दिल्ली की जनता छीनकर नरेंद्र मोदी जी को दे देगी, डबल इंजन, जिससे हम 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी एनडीए दिल्ली का सारी समस्याओं का निदान करके देगी। हम बहुत दुखी मन से रोज दिल्ली के जनता को पानी के लिए, पेंशन के लिए खून के आंसू रुलाकर जो आम आदमी पार्टी त्राही त्राही मचाए हुए है, अब इसका जवाब दिल्ली की जनता बहुत जल्द इनको हटा कर देगी। कर्नाटक के साबिक वजीर आला और बीजेपी के लीडर बीएस येदुरप्पा के खिलाफ पॉस्को मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है, जिस पर येदुरप्पा ने कहा कि कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं दिल्ली गया था। मैंने लोगों से कहा है कि मैं 17 तारीख को वापस आऊंगा और सबको पता है कि मुझे अदालत पर पूरा भरोसा है और मुझे इंसाफ मिलेगा। मैं 17 जून को अदालत में पेश होऊंगा। सम इम्पोर्टेंट वर्क, दैट्स व्हाई आई वेंट टू दिल्ली एंड I think they are given time on 17th I will come, that's what I told the concerned people and I am going to attend on 17th. All is well. Sir, do you think somewhere there's a political conspiracy in this? I don't want to comment anything at this stage. Everybody knows everything. So, I have full confidence about the judiciary. I will get justice. There is no problem. Home Minister himself, sir. Home Minister clearly said. Home Minister clearly said the complaint which was filed by the lady. She has a habitual these kind of complaints making. This is known to everybody, and you know very well. And also Home Minister also cleared that point. Thank you. Do you feel it's a relief for you, sir, at this point of time? Relief for you, sir, from the court. Relief. According to me, there is no doubt about it. They have given the. Relief. And at 17th I am going to attend the court also. Sir, your BJP leaders are saying that this is vendetta politics that the government that's is playing. Why I'm told, I am telling you, I don't want to comment all the such things. I got the relief. I am going to attend on 17th. Thank you. You have already clarified, sir, that I will attend, I will support, I will give my full cooperation. But calling on the non-bailable warrant, don't you feel that some conspiracy is all right? Nothing. Sir, last question to you, sir. Yesterday, the court, the judge, while hearing, sir, yesterday in court, sir, the judge has hinted somewhere that there is some malafide intention. Otherwise, a non-bailable warrant was no, not needed. No, I don't sir. Want to comment on such okay. things. There.
उत्तर प्रदेश के कानपुर में कांग्रेस के रियासती सदर अजय राय ने कहा है कि हम उत्तर प्रदेश के लोग ये चाहते हैं कि राहुल गांधी रायबरेली रहें। रायबरेली से ये कदीमी रिश्ता है और वो लगातार बरकरार रहे। उत्तर प्रदेश में वो काम करेंगे तो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश मजबूत होगा। तैयारी पूरी है, हमारा एक कार्यकर्ता आगे आगे जुड़ के खड़ा रहा है और निश्चित तौर से हमारे एक कार्यकर्ता मजबूती से खड़े हैं और निश्चित अभी उपचुनाव भी लड़ेंगे और आगे जो 2027 में होगा उसमें निश्चित तौर से अपनी ताकत के साथ पूरी उत्तर प्रदेश से सरकार बनाएंगे। राहुल गांधी जी वायनाड सीट बरकरार रखेंगे या रायबरेली? हम सब लोग उत्तर प्रदेश के लोग चाहते हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की चाहती है कि वो रायबरेली रहें, क्योंकि रायबरेली पारिवारिक रिश्ता है, पुरखों का रिश्ता है और वो पुरखों का रिश्ता लगातार बरकरार रहे और उत्तर प्रदेश में वो काम करेंगे तो बहुत मजबूत उत्तर प्रदेश आने वाले 27-29 में मजबूत रहे। जिस तरह से बनारस में आपने नरेंद्र मोदी जी को जिस तरह से डिफेंड किया, अब 18 तारीख को पीएम आ रहे हैं वहाँ आभार जताने, क्या लगता है बनारस किसका आभार जताएंगे? जो किसानों की जमीन ली जा रही है, जबरदस्ती जमीन लिया जा रहा है, जब बिना मुआवजे की जमीन ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट नगर वालों को लाठी मारकर ले रहे हैं और तमाम अब वहाँ की जो गंजारी में जो स्टेडियम बना रहे हैं, जबरदस्ती किसानों की जमीन ले रहे हैं, अवैधिक सिटी की जमीन ले रहे हैं, काशी द्वार की जमीन ले रहे हैं, ये सबसे जनता उब चुकी है। निश्चित तौर से 18 को आएंगे और केवल जुटाई हुई भीड़ और जो ऑर्गेनाइज लोग रहेंगे, जो सरकारी तंत्र के द्वारा जुटाए रहेंगे, उनसे मिलकर चले जाएंगे। यूपी के सहारनपुर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यूपी के सहारनपुर में गैर कानूनी के मामले में बीएसपी के कानून साज काउंसिल के रुकन मोहम्मद इकबाल की गोकुल यूनिवर्सिटी की 121 एकड़ जमीन और तमाम इमारतों को जब्त कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने मोहम्मद इकबाल के 4,440 करोड़ रुपये के असासे भी जब्त किए हैं। वाज़ह है कि सीबीआई और दीगर एजेंसियां भी मोहम्मद इकबाल के खिलाफ तहकीकात कर रही हैं। ईडी इकबाल के खिलाफ बीएसपी हुकूमत के दौरान होने वाले शुगर मिल्स घोटाले के हवाले से भी तहकीकात कर रही है। इस मामले में साल 2021 में साबिक एमएलसी मोहम्मद इकबाल के 1,097 करोड़ रुपए के असासों को जब्त किया गया है। कर्नाटक हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया है। खबर के मुताबिक कर्नाटक में पेट्रोल 3 रुपये महंगा हुआ है जबकि डीजल 3 रुपये 20 पैसे महंगे किया गया है। वाज़ह है कि रियासती हुकूमत ने टैक्स में 29.84% और 18.44% का इजाफा किया है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के मुताबिक कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 3 रुपये इजाफे की उम्मीद है। पार्लियामानी इंतखाबात में मुंतखब होने वालों का असेंबली से इस्तीफा देने का दौर शुरू हो गया है। कर्नाटक के हावेरी से बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट बसवराज बोम्मई ने भी इस्तीफा दे दिया है। वाज़ह है कि शिवगांव असेंबली से रुकन असेंबली थे वो, उन्होंने आज ही शिवगांव असेंबली हलके से रुकन असेंबली के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे के करीब हादसा पेश आया है। यहां एक टेम्पो ट्रैवलर गहरी खाई में गिर गया है जिसकी वजह से 10 लोगों की मौत हो गई है। आईजी गढ़वाल करण सिंह नागन्याल के मुताबिक टेम्पो ट्रैवलर नोएडा यूपी से रुद्रप्रयाग की तरफ जा रही थी और ये 150 से 200 मीटर गहरी खाई में गिरी है। 10 लाशें बरामद की गई हैं, 7 जख्मी एम्स ऋषिकेश में जेर इलाज है। रुद्रप्रयाग की एसपी ने भी तफसीलात बताई। से जो है नदी में गिरा है जिसमें लगभग 23 व्यक्ति जो है वो होने की सूचना हमें प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही जो है जनपद की जो पुलिस है वो पुलिस उसके साथ साथ SDRF DDRF फायर की टीम एम्बुलेंस और सारे विभाग जो है इमिजिएटली रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। अब तक की जो सूचना है उसमें हमने लगभग 15 जो यात्री है उनको हॉस्पिटल में भेजा गया है जिनकी तबीयत सीरियस है, उनके हॉस्पिटल में इमिजिएटली उपचार जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। बाकी जो यात्री उनका रेस्क्यू किया जा रहा है। प्रयाग में रतुड़ा के पास में एक टेम्पो ट्रेवल जो यात्रियों से भरी हुई थी नीचे नदी में चली गई है। 8 लोगों के मरने का बड़ा दुखद समाचार है। कुछ लोग घायल अवस्था में हैं, उनको इधर उधर चिकित्सालयों में भेजा जा रहा है। मैं मृतक कार्टून शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ और जो घायल हैं उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करता हूँ। बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा
उनको उपलब्ध करवाई जाए, इसकी राज्य सरकार से याचना करता हूं। इस समय पर्वतीय क्षेत्रों में दुर्घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं, इस पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। घायलों का इलाज यहाँ पर जो है जो जरूरी है सबको इलाज मिल रहा है, और उनके परिवार के लोगों को भी जो है अभी सूचना की जा रही है उनकी जानकारी करके, और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल प्रबंधन ने किए हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसकी जाँच के आदेश में। सर टीम का क्या है, कितनी टीम इनकी देख रहे उपचार में, टीम बनाई गई है कोई? नहीं नहीं, अच्छा उपचार यहाँ पर अभी जो भी उपचार के लिए जरूरी है यहाँ पर सभी डॉक्टरों की टीम और काम कर रही है। सिक्किम के सैलाबजदा इलाकों का वजीर आला ने दौरा किया है। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तमांग ने नामची में यांगोंग और मेली के सैलाब मुतासर इलाकों का जायजा लिया है। इस मौके पर इलाकाई लोगों ने उनका इस्तकबाल भी किया और लोगों से बातचीत की। नीट इम्तहान में हुई लापरवाही के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे लगातार जारी हैं। बिहार के पटना में भी एहतजाज किया गया है। नीट इम्तहान के इशू पर तलबा ने इम्तहान रद्द करने की मांग को लेकर एहतजाजी मुजाहरा किया है। वाज रहे कि एनटीए ने पहले 1563 तलबा के लिए 23 जून 2024 को नीट यूजी 2024 को फिर से कराने का ऐलान किया है। अर्जीदारों ने नीट इम्तहान में 1563 कैंडिडेट्स को दिए गए ग्रेस मार्क्स पर भी एहतजाज किया है। दूसरी जानिब नीट इम्तहान में हुई लापरवाही के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी भी दायर की गई है। मनासिक हज बैतुल्ला की अदायगी का सिलसिला इंतहाई अकीदत एहतराम के साथ जारी है। मैदान अरफात और जबल रहमा में 20 लाख से ज्यादा हुजाज इकराम पहुंचे हैं। हुजाज इकराम ने यहाँ रुकन आजम की अदायगी की। बद्रीनाथ हाईवे पर पेश आया सड़क हादसा, तकरीबन 200 मीटर गहरी खाई में गिरी गाड़ियां, 10 लोगों की हुई मौत। कर्नाटक के साबिक सीएम येदुरप्पा पर पॉक्सो के तहत गैर जमानती वारंट जारी, 17 जून को अदालत में पेशी। कर्नाटक हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई, पेट्रोल 3 रुपए और डीजल 3 रुपए 20 पैसे फी लीटर हुआ महंगा। नीट इम्तहान में हुई लापरवाही के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे जारी, सुप्रीम कोर्ट में नई अर्जी दायर। और मनासिक हज बैतुल्ला की अदायगी का सिलसिला जारी, 20 लाख से ज्यादा हुज्जाज इकराम पहुंचे मैदान अरफात और जबल रहमा। तो नाज़रीन आज के खबरनामे में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी सहारा। सहारा पढ़ा।